हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। दिस इज अर्चना सिन्हा, योर कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 5, इंट्रोडक्शन टू वर्डपैड। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वन मोर न्यू चैप्टर, विच इज चैप्टर नंबर 6, लर्न अबाउट ICT। इन दिस चैप्टर यू विल अंडरस्टैंड अबाउट ICT। Okay, so let's start. Chapter 6, learn about ICT. So first we will see that what is ICT and what is the full form of ICT. Beta, इस चैप्टर में हम सबसे पहले देखेंगे कि ICT क्या है, उसका मीनिंग क्या है और उसका फुल फॉर्म क्या है. ओके, सो ICT stands for Information and Communication Technology. ICT का फुल फॉर्म क्या है? Information and Communication Technology. ठीक है, उसको एक बार और आप लोग सुनिए. ICT stands for Information and Communication Technology. ठीक है, Do you know what is Information, Communication एंड टेक्नोलॉजी? क्या आपको पता है, क्या आप जानते हो कि इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, टेक्नोलॉजी क्या होता है? ठीक है, सो लेट अस लर्न अबाउट देम. चलो उसके बारे में हम पढ़ते हैं. फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड अबाउट इंफॉर्मेशन. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या है? ठीक है, लुक एट द पिक्चर्स. ईच पिक्चर टेल्स अस समथिंग. नीचे कुछ 4 पिक्चर्स दिए हुए हैं. ठीक है, उसको उस पिक्चर को आपको ध्यान से देखना है, अच्छे से देखना है. ठीक है, और हर पिक्चर कुछ ना कुछ आपको मैसेज दे रहा है, कुछ ना कुछ आपको बता रहा है. ठीक है, राइट व्हाट ईच पिक्चर बिलो tells you in the space provided. Look at first picture. सबसे पहले first picture देखते हैं. ठीक है, first picture में एक girl है. ठीक है, तो वो क्या कर रही है? एक book पढ़ रही है ना, book read कर रही है. A girl reading the book. ठीक है, book पढ़ रही है. Means वो book से उसे कुछ ना कुछ क्या मिल रहा है? Information मिल रहा है, जानकारी मिल रहा है. ठीक है, बुक को ध्यान से देखेंगे तो बुक के ऊपर आपको ABC लिखा हुआ है. ठीक है, ABC. अब वो बच्ची गर्ल क्या है? बुक रीड कर रही है. बुक से उसे कुछ ना कुछ जानकारी मिल रही है या इंफॉर्मेशन मिल रही है. ठीक है, वो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन बुक से रिसीव कर रही है. ओके, नाउ लुक एट द सेकंड पिक्चर. इस पिक्चर में क्या है? आप यहाँ पर टीचर है. ठीक है, वो क्या कर रही है? टीच कर रही है. The teacher is teaching in the class. Teacher class में teach कर रही है और उसको carefully students क्या कर रहे हैं? Listen कर रहे हैं, सुन रहे हैं. तो teacher यहाँ पर कुछ ना कुछ information दे रही है students को. ठीक है, वो information दे रही है, जो भी topic पढ़ा रही है वो. ठीक है, उसके बारे में information दे रही है और students क्या कर रहे हैं? उनके through information को receive कर रहे हैं. ठीक है, ओके, नाउ लुक एट द थर्ड पिक्चर. थर्ड पिक्चर में एक आदमी क्या कर रहा है? फोन पे बातें कर रहा है. ठीक है, अ मैन इज टॉकिंग ऑन फोन और मोबाइल. ठीक है, बात कर रहा है. मीन्स वो जब बात कर रहा है तो कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन क्या वो रिसीव कर रहा है, उसको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन सामने वाले से उसे मिल रहा है. और जिस जो फोन पे है जिससे वो बात कर रहा है दूसरे, है ना, तो वो क्या कर रहा है? उसको इंफॉर्मेशन दे रहा है और ये आदमी इंफॉर्मेशन क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है. ओके, नाउ लुक एट द लास्ट पिक्चर. है ना, लास्ट पिक्चर में, पिक्चर नंबर 4 में क्या दिया है? एक टेलीविजन दिख रहा है आपको. ठीक है, और उसमें ब्रेकिंग न्यूज चल रहा है. तो जो न्यूज देने वाला है वो आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, न्यूज बता रहा है आपको, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है. और न्यूज हम क्या कर रहे हैं? रिसीव कर रहे हैं. ठीक है, कुछ ना कुछ जानकारी वो दे रहा है. ओके, सो
We learn or receive additional knowledge from books, newspaper, people or television. तो बेटा हम जो भी हमको additional knowledge मिलता है ना, जो हमको जानकारी मिलता है, जो हम receive करते हैं, means हम उसको लेते हैं, सुनते हैं, है ना, हमको मिलता है और जिसके बारे में हमको पता चलता है, हम सीखते हैं उस नॉलेज के थ्रू. किससे किससे मिलता है? बुक से. देखो फर्स्ट पिक्चर में देखो, बुक से इंफॉर्मेशन ले रही है गर्ल, ठीक है. सेम न्यूज़पेपर से भी मिलता है हमको. ओके, पीपल. पीपल यहाँ पर देखो सेकंड पिक्चर में कौन थी? पीपल के रूप में कौन है? टीचर है. टीचर क्या इंफॉर्मेशन दे रही है बच्चों को और बच्चे क्या करे? टीचर से इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ठीक है, जानकारी ले रहे हैं. देन टेलीविजन. टेलीविजन से हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है न्यूज के बारे में, ठीक है, कि हमारी कंट्री में और बाकी कंट्री में, दुनिया में क्या हो रहा है, हमको सब जानकारी मिलती है टेलीविजन से. तो सच नॉलेज रिसीव्ड और गिवन इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन. वैसे ही जो जानकारी हम प्राप्त करते हैं, हमको जो हम मिलता है और जो हम दूसरे को देते हैं, उसे हम कहते हैं इंफॉर्मेशन, ठीक है. देयर आर मैनी सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन. ऐसी इंफॉर्मेशन की बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, ठीक है, जिसको हम वन बाई वन क्या करेंगे, पढ़ते हैं. ओके, लेट अस लर्न अबाउट सम ऑफ देम. उसमें से जो इंफॉर्मेशन है उसमें से हम अभी यहाँ पे फोर पॉइंट्स को देखने वाले हैं, ठीक है. यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं जिससे हमको इंफॉर्मेशन मिलता है. पिक्चर्स. पिक्चर्स गिव इंफॉर्मेशन ऑन हाउ समथिंग लुक्स लाइक. पिक्चर से अब जब हम पिक्चर को देखते हैं, कोई भी पिक्चर हो, पिक्चर को देखते हैं, उसमें भी कुछ ना कुछ हमको इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है. सपोज कोई सीनरी, कोई ट्री का पिक्चर है या किसी एनिमल का पिक्चर है, तो हमको बहुत सारी उससे इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो किस टाइप का एनिमल है, उसका नाम क्या है, है ना. हमको पिक्चर को देखकर हम बहुत सारे उसके बारे में जान लेते हैं ना, तो ये भी क्या है, इंफॉर्मेशन का सोर्स है, ठीक है. नेक्स्ट सेकंड क्या है? मैप. मैप्स गिव इंफॉर्मेशन ऑन वेयर टू फाइंड अ प्लेस. मैप से क्या होता है? मैप मींस नक्शा. मैप से हम कोई भी प्लेस कहाँ पर है ना, और हमको अगर उस प्लेस में जाना है तो मैप के थ्रू हम क्या करते हैं, उस प्लेस को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है. तो मैप हमको क्या बताया कि कौन सा प्लेस कहाँ पर है, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी जानकारी, उसकी नॉलेज हमको किसके थ्रू मिली? मैप के थ्रू मिली, ठीक है. नाउ थर्ड है लेबल्स. लेबल्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अ थिंग. देखो लेबल्स क्या होते हैं बेटा? कोई भी चीज, जैसे सपोज आपने चिप्स का पैकेट खरीदा, ठीक है, उसमें लेबल लगा. चिप्स के पैकेट से आपको क्या पता चला कि ये चिप्स लेस का चिप्स है, इसकी कॉस्ट कितनी है, ये कौन से कलर का है, ये पोटैटो चिप्स है कि कुछ बनाना चिप्स है. आपको लेबल के थ्रू क्या बहुत सारी क्या है उसमें आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है. देन लास्ट क्या है? पोस्टर्स. पोस्टर्स गिव इंफॉर्मेशन ऑन समथिंग. पोस्टर्स क्या होते हैं बेटा? बड़े बड़े बैनर लगे रहते हैं, जैसे अक्सर आप देखोगे रोड के किनारे पोस्टर्स रहते हैं, कुछ भीड़ भाड़ जैसे मार्केट एरिया, पार्क एरिया, है ना, पोस्टर्स लगे रहते हैं. सपोज अगर इलेक्शन आ रहा है तो इलेक्शन के क्या है, जैसे जो भी अपनी इलेक्शन पार्टी है, जो भी अपनी पार्टी है, वो अपने क्या है, अपना पोस्टर्स लगाती है. तो ऐसे आपको पता चलता है कि पार्टी का नेम क्या है, कौन इलेक्शन पे खड़ा है. बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी इंस्टीट्यूट या स्कूल का पोस्टर लगा रहता है तो उसको देखने पे आप उसको उसमें से पूरे मैटर पढ़ने पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ठीक है. डू यू नो यू कैन यूज कंप्यूटर्स, फोन, रेडियो, टेलीविजन एंड मेनी अदर थिंग्स फॉर रिसीविंग और गिविंग इंफॉर्मेशन. आप जानते हैं कि आप कंप्यूटर, फोन, रेडियो, टेलीविजन और भी अलग बहुत सारे और भी जो सोर्सेस हैं, ठीक है, उसका यूज करके आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हो, मतलब आप लेते हो जानकारी, आपको मिलती है, और गिविंग इंफॉर्मेशन और आप जानकारी प्राप्त करके दूसरे को भी इंफॉर्म करते हो, ठीक है. तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन है. आपको कहीं ना कहीं किसी भी सोर्सेस से आपको अगर जो भी जानकारी मिलती है, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन, ठीक है.
सो आईसीटी में हमने आई में स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन के बारे में समझा, ओके। अब सी क्या होता है, सी का फुल फॉर्म क्या था, कम्युनिकेशन। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, ठीक है। तो कम्युनिकेशन क्या है, एक तरह का इंफॉर्मेशन, एक तरह का क्या है, प्रोसेस होता है, ठीक है। हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जो इंफॉर्मेशन या जानकारी दी जाती है या उससे हमको इंफॉर्मेशन या जानकारी मिलती है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। इन एवरी कम्युनिकेशन देयर इज अ सेंडर एंड अ रिसीवर। सभी कम्युनिकेशन में एक सेंडर होता है और दूसरा क्या होता है, रिसीवर होता है। सेंडर क्या होता है, सेंडर वो होता है जो कि अगर मैंने फोन लगाया, ठीक है, मैंने अगर सामने वाले को किसी को, किसी भी एबीसी कोई भी पर्सन है, अगर मैंने दूसरे किसी पर्सन को मैंने फोन लगाया तो मैं क्या हुई, मैं सेंडर हुई, ठीक है, क्योंकि मैं कोई भी मैसेज को सेंड कर रही या जानकारी सेंड कर रही, तो मैं सेंडर हुई। और जो सामने वाला जिसको मैंने लगाया है पर्सन को, वो अगर फोन उठाता है, मेरा फोन रिसीव करता है, तो वो क्या हुआ, रिसीवर, ठीक है। तो यहाँ पर दो पर्सन के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेट होता है, एक होता है सेंडर और दूसरा होता है रिसीवर, ठीक है। लुक एट दिस पिक्चर, पिक्चर को ध्यान से देखो, यहाँ पर टू गर्ल्स, ठीक है। अनिमा, अनिमा कहाँ, क्या है ये, सेंडर। अनिमा एंड भक्ति आर टॉकिंग ऑन फोन, दे आर कम्युनिकेटिंग। ये अनिमा है, ठीक है, और वो दूसरी क्या है, दूसरी गर्ल का नाम क्या है, भक्ति। तो अनिमा ने क्या किया, फोन लगाया किसको, भक्ति को, ठीक है। तो अनिमा ने फोन लगाया तो अनिमा क्या हुई, सेंडर हुई। अनिमा क्या हुई, सेंडर। और भक्ति ने फोन उठाया, रिसीव किया, तो भक्ति क्या हुई, यहाँ पर रिसीवर हुई, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, मतलब दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, एक सेंडर होता है फोन लगाने वाला, जो दूसरा सुनता है या फोन उठाता है वो क्या होता है, रिसीवर होता है, ठीक है। हाँ, लुक एट द अनदर पिक्चर, दूसरा पिक्चर देखो आप। द टीचर इज कम्युनिकेटिंग विद द स्टूडेंट, या एक टीचर कम्युनिकेट कर रही है, बातें कर रही है किससे, स्टूडेंट से, ठीक है। तो या टीचर बात कर रही है तो टीचर क्या हुई, सेंडर हुई, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्या है, उसकी बातों को सुन रहे हैं, तो स्टूडेंट्स क्या हुए, यहाँ पर रिसीवर हुए, क्या हुए यहाँ पर, रिसीवर, ठीक है। डू यू नो डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट एंड स्मार्टफोन आर द कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। आपको पता है बेटा कि डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप कंप्यूटर, टैबलेट और स्मार्टफोन, ये सब जो है वो क्या होते हैं, कॉमनली यूज किए जाते हैं, ठीक है, आमतौर पे यूज किए जाते हैं किस, तो ये क्या होते हैं, कम्युनिकेशन के सोर्सेस होते हैं, ओके। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब टेक्नोलॉजी के बारे में हम पढ़ेंगे, हमने अभी क्या क्या पढ़ा, इंफॉर्मेशन देखा, कम्युनिकेशन देखा, अब हम टेक्नोलॉजी के बारे में समझेंगे। लुक एट द पिक्चर्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी फोर पिक्चर्स दी हुई है नीचे, ठीक है। कौन कौन से पिक्चर है, फर्स्ट पिक्चर किसका है, फ्रिज का, सेकंड है स्मार्टफोन का, थर्ड पिक्चर है बस का, और फोर्थ पिक्चर क्या है, रोबोट, ओके। डू यू नो व्हाट दे आर यूज्ड फॉर, क्या आप जानते हैं ये जितने भी चारों पिक्चर दिए हुए हैं उनका यूज क्या होता है, ठीक है। दे आर यूज टू मेक अवर वर्क ईजियर एंड फास्टर, ये जितने भी मशीन्स हैं, ये सब पूरी मशीन्स हैं, ठीक है, ये जितने भी हैं ये हमारा काम को क्या करते हैं, ईजी बनाते हैं, हमारे काम को फास्ट करते हैं, है ना। देखो फर्स्ट पिक्चर में क्या है, फ्रिज, फ्रिज क्या है, मशीन है, ठीक है। तो फ्रिज में हम क्या है, कोई भी फूड या खाना क्या कर सकते हैं, बहुत दिन तक, मतलब बहुत दिन तक मतलब कुछ समय तक हम क्या कर सकते हैं, कितने देर तक, फ्रेश रख सकते हैं, ठीक है, खाने को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, ओके।
देन सेकंड पिक्चर, सेकंड क्या है? स्मार्टफोन। स्मार्टफोन तो एक कम्युनिकेशन का क्या है बेटा, एक बड़ा, बहुत बड़ा सोर्स है। इसमें हम कोई भी इंफॉर्मेशन क्या करते हैं, रिसीव करते हैं और सेंड करते हैं, ठीक है। और थर्ड पिक्चर क्या है? बस। बस भी मशीन है, ठीक है। पहले हम, जब बस नहीं था तो पहले के लोग क्या करते, कितना ट्रैवल करते थे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पैदल ट्रैवल करते थे। लेकिन अब हमको कहीं भी जाना रहता है, हम बस से क्या है, एक दूसरे प्लेस में बहुत आसानी से हम क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, है ना, और फास्ट पहुंच सकते हैं, ठीक है। देन रोबोट। रोबोट भी हमारा वर्क बहुत इजियर बनाते हैं और, ठीक है, इजी करते हैं हमारे वर्क। दीस मशीन्स आर डेवलप्ड थ्रू साइंस। ये सभी मशीन्स क्या, साइंस के थ्रू डेवलप हुए हैं, ठीक है। साइंटिस्ट मेक देम विथ हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, और साइंटिस्ट ने इससे टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया है, ठीक है। टेक्नोलॉजी मेक्स अवर लाइफ इजी, और टेक्नोलॉजी ने हमारी लाइफ को बहुत इजी कर दिए, ठीक है। ये सब पूरी मशीन का यूज करके हम क्या है, हमारा काम क्या हो गया, इजी हो गया। वैसे ही बेटा अभी हमारा टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। तो हमने क्या क्या सीखा कि आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या होता है, हमको किसी न किसी सोर्स से जब कोई जानकारी मिलती है तो हम उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। कम्युनिकेशन क्या होता है, जब दो लोगों के बीच में बातचीत होती है, ठीक है, एक क्या है अपनी बात को पहुंचाता है, दूसरा उसकी बात को सुनकर रिप्लाई देता है, तो वो क्या होता है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी मीन्स जो मशीन है, ठीक है, मशीन का यूज करके हम अपने काम, अपना, हम अपने वर्क को इजी बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड टेक्नोलॉजी, ओके। अब यहाँ पर नीचे देखो एक्टिविटी दी है, यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम एक्टिविटी करते हैं। टिक द पिक्चर्स दैट शो द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। आपको ए और बी में दो दो पिक्चर दिए हुए हैं, ठीक है। आपको दोनों पिक्चर में कंपेयर करना है और उसको टिक करना है कि कौन सा पिक्चर में टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, ठीक है, या शो कर रहा है, तो आपको उसको टिक करना है। फर्स्ट फर्स्ट में देखो एक बच्चा क्या कर रहा है, लिख रहा है कुछ, और दूसरे में कंप्यूटर यूज कर रहा है, तो यहाँ टेक्नोलॉजी का यूज कहाँ हो रहा है, आप किसमें, कंप्यूटर देखने में, तो यू विल टिक ऑन सेकंड पिक्चर, ठीक है। देन बी में, बी में देखो ये बॉय क्या कर रहा है, चल रहा है, वॉक कर रहा है, और दूसरे में बस का मीन्स मशीन का यूज हो रहा है, मीन्स आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर बस का यूज मीन्स टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है, तो आप किस पर टिक करोगे, बस वाली पिक्चर पे, ठीक है। नाउ अब वी विल डू एक्सरसाइज। एक्सरसाइज बेटा यहाँ पर हम ये जो क्वेश्चन को नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पहुंचेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। टिक द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन को चुनकर आपको टिक करना है। फर्स्ट, मैप्स, पोस्टर्स एंड लेबल्स आर द डैश ऑफ इंफॉर्मेशन। ये मैप, पोस्टर और लेबल है, ये किस इंफॉर्मेशन के क्या है, टाइप्स है, सोर्सेस है कि वेरिएंट्स है। हाँ बेटा सोर्सेस है, तो आप बी को, आपका क्या है ऑप्शन करेक्ट, आप बी पर टिक करेंगे, सोर्सेस है, ठीक है। मैप, पोस्टर्स एंड लेबल्स आर द सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, सेकंड, सेंडर एंड रिसीवर आर द टू साइड्स इन एवरी, ठीक है। सेंडर और रिसीवर दो साइड्स किस में रहते हैं, किस में रहते हैं, इन कम्युनिकेशन में, ठीक है, तो आप कम्युनिकेशन को टिक करेंगे। नाउ यहाँ पे देखो, रीअरेंज द गिवन लेटर्स एंड राइट द करेक्ट वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर देखो अनस्क्रैम्बल दिया हुआ है कुछ कुछ वर्ड्स, तो आपको उसको अरेंज करके लिखना है। फर्स्ट क्या है, इंफॉर्मेशन, ठीक है, आपको इसका सबको स्पेलिंग लर्न करना है, इंफॉर्मेशन, ठीक है। सेकंड है, उसको ठीक से करेंगे अरेंज तो क्या, कौन सा प्रॉपर वर्ड बनेगा, कम्युनिकेशन, ओके, कम्युनिकेशन। देन थर्ड, थर्ड को आप
फिर से अरेंज करोगे तो अच्छे से, तो उसको कौन सा वर्ड बनेगा, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी, बेटा ये तीनों की स्पेलिंग को आपको अच्छे से लर्न करना है, ठीक है, तभी आप इसको अच्छे से इसकी स्पेलिंग प्रॉपर बना पाओगे। ओके, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर वेरी वेल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।